अभी मैं बेगूसराय जिले के एक ऐसे शख्सियत के घर में पहुंचा हूं जो जिनके स्वभाव में लेखन, कला, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के परिदृश्य में सब जगह एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण बहुत कम देखे जाते हैं। हम आपको पहले उनके घर में जो उनके द्वारा बनाया हुआ सामान सब है डेकोरेशन का, वो हम दिखा देते हैं आपको। पहले ये सब देखिए, ये मूर्ति जो है ये उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ये जो आप ये देखिए, ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये भी इनके हाथ से बना हुआ है। और भी चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, ये जो है ये भी उन्होंने बनाया है, बहुत खूबसूरत। और भी चीज़ें हैं। पटल पंखुरी जी हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हम उनसे उनके जीवन के बारे में सारी चीज़ हम जानना चाहेंगे कि भाई आपके दिलो दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि आप इस तरीके का काम कर रही हैं। सबसे पहले आपका पटल पंखुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है बेगूसराय टुडे की टीम में, बेगूसराय टुडे के चैनल में। आप ये बताएं कि आपके मन में, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम पाटल पंखुरी है, जिसका अर्थ होता है पाटल मीन्स गुलाब और पंखुरी मीन्स उसका पंखुरी। तो मैं पाटल पंखुरी हूँ और मेरा घर मनसेपुर है। वैसे मैं सब दिन देवघर में रही हूँ। पापा मेरे टीचर थे, मम्मी भी टीचर है। अच्छा, आपका शिक्षा वगैरह कहाँ तक? शिक्षा पहले तो शुरुआती शिक्षा वहीं देवघर में हुआ था, उसके बाद कुछ दिन बेगूसराय में, और बस बेगूसराय जीडी कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज दोनों में फेरबदल करके हम यहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं। आप एक बेहतरीन कवित्री भी हैं, आप लिखती भी हैं। ये लेखन की जो कला है ये आप में कहाँ से और कैसे उगी? ये पता नहीं, जन्मजात है, भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि मैं कहीं सीखी नहीं हूँ। खुद के भाव में अंतर्मुखी हूँ, खुद के जो भाव उपजते थे उसको चाहती थी कहीं मैं कागज कलम पर वो भाव व्यक्त करूँ, तो खुद ब खुद मैं लिखने लगी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो मैं करती हूँ। बागवानी मेरा पसंदीदा काम है, मैं बागवानी भी करती हूँ और मूर्ति बनाना, लेखन, कहानी लेखन। और मेरा ये नेचर है कि मैं दूसरे को खुश रखने में खुद खुशी महसूस करती हूँ। और फिर पाक कला हुआ, ये दर्शन शास्त्र हुआ, ये सभी में मेरी बहुत रुचि है। अध्यात्म में मेरी बहुत रुचि है, श्लोक वगैरह का गायन करना और फिर गाना गाना, ये सभी चीज़। इतनी सारी कलाओं के साथ आप बेगूसराय की वो धरती जहाँ दिनकर पैदा हुए जी, आप उस धरती पर काम कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से निकल के बाहर आने की ज़रूरत है? मेरा बहुत बड़ा ये शौक़ था कि ये जितनी भी कला मेरे पास है ये सब लोग जाने या फिर ज़्यादा लोगों के पास इसकी जानकारी जाए। लेकिन पता नहीं, समय का भी एक दोष कहिए या जो कहिए, वो होता है कि मेरा कला दब के रह गया। मैं जब से शादी हुआ उसके बाद मुझे ऐसा मौका भी नहीं मिला, ना कुछ ऐसा जरिया मिला कि मैं अपने कला का प्रदर्शन कर सकूं। ये बताइए कि आपकी सबसे अच्छी कविता कोई ऐसी है जो सुनाइए? मैं अपनी इंतजार दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। जब एक झोंका आया अनजान क्षितिज से, ये मेरी पहली कविता है और उस समय मैं 18 साल की थी, उस समय का ये कविता है। जब एक झोंका आया अनजान क्षितिज से, मेरी भावनाओं को सहलाया अलौकिक स्नेहिल स्पर्श से, भूलकर सारी बातों को मैं उसमें बस इतना ही दो लाइन याद है, मैं उसमें खो गई, विलीन हो गई, मस्त हो गई। ना याद रहा कि कौन अपना है, ना याद रहा कि कौन पराया है, बस अपने ही जीवन में मस्त हो गई। झोंका ले आई थी जो खुशबू, उससे जीवन मेरा पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ खुशियों के इस एहसास से, भावनाओं की फुलवारी खिल उठा।
बसंत का आगमन हुआ मेरे मनरूपी बगिया में, छाई हरितिमा मेरे मानसिक जगत में। ये बस दो चार लाइन बहुत खूबसूरत है और इसमें शब्दों का जो समायोजन है वो बहुत खूबसूरत है। आज के परिदृश्य में देश की जो परिस्थितियाँ हैं, इस परिस्थितियाँ के ऊपर आपकी कोई रचना आई है? एक अभी तो नहीं आई है क्योंकि मैं कुछ दिनों से बिजी हूँ। और कुछ दिनों पहले आप शिव चर्चा का नाम सुने होंगे जो बहुत पैमाने पर अभी है, बहुत लोग शिव चर्चा कर भी रहे हैं। तो उसमें एक होता था क्या, जैसे कि शिव चर्चा, शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों अलग अलग टुकड़े में बट गए थे और दोनों में ईर्ष्या रूपी कुछ बकवास होते रहता था। तो उस पर हम दो लाइन लिखे थे धर्म पर। धर्म का अस्तित्व बहुत ही व्यापक है, चले ईमान से जो इस राह वही साधक है। साधना की पगडंडियों पर जो चल पड़े, मिटने लगते हैं फिर उसके ईश्वर से फासले। धर्म को करते हैं बदनाम पंडे और बिचौलिए। ये दो लाइन पूरा है लेकिन मैं आपको दो लाइन ही सुनाई हूँ। ये सारी रचना किसी डायरी में मैं सेव नहीं कर सकी हूँ, ये सारे मेरे मोबाइल में है जितनी भी रचना है। और मैं दर्शन पर भी लिखती हूँ, सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी लिखती हूँ, राजनीति पर भी लिखती हूँ। समाज की व्यवस्थाएं में से कोई ऐसी व्यवस्था आपके जहन को जो काफ़ी झकझोरती हो? जी, मैं जहाँ तक औरत के लिए, मेरा जो है जब हम किसी पुरुष को देखते हैं औरत के ऊपर अत्याचार करते हुए, उस समय मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ क्योंकि अभी भी औरत तो उस मुकाम को नहीं पा सकी है जिसमें उसको समान दर्जा मिले। औरत के साथ या फिर बच्चियों के साथ आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो मेरे अंतरात्मा को झकझोर देती हैं क्योंकि हैवानियत की ओर बढ़ता जा रहा है हमारा समाज। दर्द के ऊपर कुछ है? दर्द के ऊपर तो अभी लिखी नहीं हूँ लेकिन इसका एक वृतांत जो है थोड़ा सा वो मैं मोबाइल में पोस्ट की हूँ, फेसबुक पर वो पोस्ट की हूँ। जी, कुछ याद है उसमें से लाइन? जी, लाइन तो फिलहाल याद नहीं है लेकिन मेरे जानकारी ऐसी भी आपके ही द्वारा मिली कि आप बहुत अच्छा गाती भी हैं। जी, तो थोड़ा सा दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए। मैं श्लोक बोलूं? ठीक है, श्लोक तो बोलिए लेकिन एक लाइन जरूर गाना आप सुनाएंगे। जागले की फिर ये हसी रात हो न हो, ओ शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बस इतना ही क्योंकि लग जा गले गले गले। ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, इतना बढ़िया आपका मतलब आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। आप अपनी आवाज़ की पूजा करें और जो कलम की सिपाही बनी हुई हैं इसे मैं चाहूँगा कि ये अनवरत ये आपका प्रयास चलता रहे आगे। अगर जो इस तरीके से जो गांव घर में जो लड़के या बच्चे या बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ कोई भी इस काम को करती हैं, कोई कवि हैं चाहे कुछ लिख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? मेरा संदेश यही है कि जैसे आप मुझे मिल गए और आपके ज़रिए मैं कहीं ज़्यादा मुकाम कोई हासिल करूं, तो उन सब के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अपनी रचनाओं को आप जैसे पत्रकार तक पहुंचाएं, जैसे उनकी रचनाओं को एक जरिया मिले मशहूर होने का या फिर बात पहुंचाने का एक दूसरे के पास। अगर मेरा कहीं किसी के पास मनोभाव पहुंचता है, मेरे अंदर की जो भाव हैं वो कोई पढ़ते हैं तो ये पढ़े, मौका मिले उन सभी को, मौका मिले आप जैसे लोग उनको भी मिले जो कि उनको एक ले जाएं एक मुकाम पर। तो ये थी पटल पंखुरी जिन्होंने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी और काफ़ी खुल करके बात किया है। जी, मंत्र बोलना चाहती हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमोद्यचेत् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेवसुतं देवं कंस चानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दनं वसुदेवं कृष्णं जगत गुरु। वाह, तो ये थी पटल बंकुरी, जिन्होंने साबित किया है कि कोई भी चीज़ अगर दिल से निकल करके लेखनी के माध्यम से कागज़ पे पड़ती है तो फिर वो इतिहास बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।